Hey guys, press the bell icon and never miss a video from Nuteq Entertainment. बीजों के महत्व को मनुस्मृति में भी स्वीकारा गया है। किसान से ज्यादा बीजों के महत्व को भला कौन जान सकता है? अच्छे बीज ही अच्छी पौध और अच्छी फसल के कारक बनते हैं। बीज स्थायी कृषि के लिए बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण इनपुट हैं। अन्य सभी आदानों की प्रतिक्रिया काफी हद तक बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। किसान हमेशा यही चाहता है कि उसे अच्छे से अच्छा बीज हासिल हो। अब ये जानना जरूरी है कि अच्छा बीज क्या होता है। ऐसी रचना जो भ्रूण से उत्पन्न होती है बीज कहलाती है। उन्नत किस्म के अच्छे बीज में उत्तम गुणवत्ता, अनुवांशिक शुद्धता, दैहिक शुद्धता, स्वास्थ्य रोग एवं कीट रोधिता, उचित नमी की मात्रा तथा अधिक अंकुरण क्षमता का पाया जाना आवश्यक है। किसानों के लिए हर 3 या 4 साल के बाद बीजों को बदलना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल अच्छी होती है। बीज, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खेती का एक मूल कारक है। अगर किसान का बीज ही अच्छी किस्म का नहीं होगा तो उसके अन्य सभी कारक हैं जो व्यर्थ चले जाते हैं। अभी सरकार की मुहिम है कि भाई किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीज का रिप्लेसमेंट करे हर साल। जैसे कम से कम संकर बीजों के लिए तो आमतौर पर यही हिदायत दी जाती है कि किसान हर वर्ष नया बीज खरीदें। उसके अलावा जो किस्में हैं उनका बीज भी किसान भाई हर तीसरे वर्ष खरीदें। बीज का जो स्रोत है वो बहुत ही भरोसेमंद हो। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को उन्नतशील बीजों की देय सुविधाएं उपलब्ध हैं। देश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसलों को रोगों से बचाने के लिए और अच्छी किस्म का अनाज पाने के लिए उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए हैं। गेहूं और धान के अलावा मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा फल सब्जियों की उन्नत किस्में भी तैयार हुई हैं। ऐसे बीज किसान को उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में भी बराबर प्रयास हो रहे हैं। किसान को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करना, दक्षता का विकास करना और उससे 3 लाभ होती है। एक, इससे पैदावार ज़्यादा होता है, कम दाम में उन्नत किस्म की फसल उपलब्ध होता है और किसी का उपज किसान को ज़्यादा मिलता है। भारतीय बीज कार्यक्रम में बीज प्रमाणीकरण, बीज गुणन और उत्पादन की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक स्वीकृत प्रणाली है। कृषि मंत्रालय और बीज प्रमाणीकरण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय बीज निगम, 15 राज्य निगमों, 22 राज्य बीज प्रमाणन केंद्र और 104 अधिसूचित बीज परीक्षण केंद्र हैं, जो बीज उद्योग में प्रमुख हैं। आज बीजों के प्रमाणीकरण की अनेक श्रेणियां मौजूद हैं और प्रजनक से किसान तक किस्म की पवित्रता को बनाए रखते हुए बीज गुणन श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। नाभिकीय बीज का उत्पादन प्रजनक के द्वारा चयनित समरूप एकल पौधों के संवर्धन से किया जाता है। अन्य सभी श्रेणियों के बीज का स्रोत नाभिकीय बीज ही होता है। प्रजनक बीज अधिकृत प्रजनक की देखरेख में तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। बीज की थैली पर पीले रंग का लेबल लगाकर उसे सील किया जाता है। इसमें फसल एवं किस्म के साथ साथ प्रजनक की सील एवं हस्ताक्षर होते हैं। ये बीज विभिन्न उत्पादक संस्थाओं को उनकी मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आवंटित किया जाता है। आधार बीज प्रजनक बीज की संतति होता है, जिसे प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। आधार बीज की थैली पर उत्पादक का दूधिया हरे रंग का लेबल और बीज प्रमाणीकरण संस्था का सफेद रंग का लेबल लगा होता है। उस पर संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होते हैं। प्रमाणित बीज आधार बीज की संतति होता है। प्रमाणित बीज की थैलियों पर उत्पादक का दूधिया हरे रंग का लेबल एवं बीज एवं प्रमाणीकरण संस्था का नीले रंग का टैग लगा होता है और संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होते हैं।
शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य जो है नई नई प्रजातियों को किसानों तक पहुंचाने का है। विश्वविद्यालय के 2-3 केंद्र हैं जहां पर बीज उत्पादन किया जा रहा है, वहां से किसानों को मिनी किट दिए जाते हैं। मिनी किट का मतलब वह है कि वह प्रजातियां जो विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में विकसित की गई हैं, उस बीज का प्रयोग करके वो अपने खेतों पर और बीज बना सकें और उस बीज को अन्य किसानों को भी दे सकें। बीजों का चुनाव उन्नत प्रजातियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। किसान भाई प्रमाणित बीज ही अपने खेतों में बोते हैं। विज्ञान में नए उपकरणों, तरीकों, तकनीकों के उभरने से तीव्र बदलाव आए हैं, जिन्हें अपनाने से किसानों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बीजोपचार सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है, जिसमें बीज को बोने से पहले फफूंदनाशी या जीवाणुनाशी या परजीवी से उपचारित करते हैं। बीज को हम एक तरह का टीका देते हैं, प्रतिरोधक क्षमता उसमें लाते हैं, जिससे कि वो लड़ सके बीमारियों से और कीड़ों से। रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, एक उपचारित बीज ही एक स्वस्थ पौधे का आधार है। और अगर आप बीज का उपचार करेंगे तो इससे आपकी जो लागत है वो उसमें कम आएगी, कुल आपको 15-20% तक का मुनाफा होता है। एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए जरूरी है कि बुवाई से पहले बीज का अंकुरण परीक्षण हो, ताकि खेत में कम या नहीं जमने की स्थिति से होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। बीज परीक्षण का भारत वर्ष में धार्मिक महत्व है। बीज परीक्षण द्वारा हम वैज्ञानिक तरीके से बोए जाने वाले बीज का मूल्यांकन एवं निम्न स्तर के बीज से होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि केवल प्रमाणित बीज बोने से ही 10-15% तक अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि ये बहुत सी दूसरी अन्य बातें जैसे मिट्टी, जल, खाद इत्यादि पर भी निर्भर करता है। बीज की गुणवत्ता व प्रजाति पीढ़ी सुनिश्चित करने के लिए बीज परीक्षण अति आवश्यक है। बीज अधिनियम 1966 के तहत बीज परीक्षण के लिए केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला दिल्ली व राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रावधान रखा गया है। किसान अपने बीज का परीक्षण जरूर कर लें या करवा लें, ताकि बीज परीक्षण के आधार पर ही हम ये निर्धारित करते हैं कि फसल आपके खेत में कैसी उगेगी, कितने पौधे उगेंगे, कितने अच्छे पौधे स्वस्थ पौधे होंगे, और उसी स्वस्थ पौधों के हिसाब से ही आपकी पैदावार निर्भर करती है। आज किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में कई संस्थाओं का अहम योगदान है। नवीनतम फसल प्रजातियों के बीजों का वितरण करते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता के स्तर में सुधार के नए आयाम स्थापित हुए हैं। आज भारत बीज उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देश है, जो स्वयं की पूर्ति के साथ साथ अन्य देशों को भी बीजों की आपूर्ति करता है।